गाइज, सैमसंग गैलेक्सी अनपैक इवेंट की ऑफिशियल डेट्स निकल के आ चुकी है और सैमसंग गैलेक्सी S24 सीरीज को 17 जनवरी को लॉन्च किया जाने वाला है। बीते साल में सैमसंग गैलेक्सी S23 सीरीज ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन इस साल जो सैमसंग गैलेक्सी S24 सीरीज आने वाली है उसके बारे में मैं आप लोगों को एक बात बहुत अच्छे से बता सकता हूँ कि S24 सीरीज में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल बहुत ज्यादा मेन देखने को मिलेगा और सैमसंग पहला ऐसा स्मार्टफोन ब्रांड होने वाला है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ स्मार्टफोन लेके आने वाला है और ये वाकई में एक ये मीनिंगफुल इनोवेशन होने वाली है स्मार्टफोन में। तो चलिए वीडियो में आगे हम देखते हैं गैलेक्सी AI में आपको क्या कुछ खास देखने को मिलता है। और अभी तक गूगल पिक्सल 8 का जो स्मार्टफोन आने वाला है वही एक दावेदार था AI के साथ जो कि उसमें फीचर्स देखने को मिलने वाले थे, बट यहाँ पे अब सैमसंग भी इस दौड़ में शामिल हो चुका है। तो क्या यहाँ पे गूगल पिक्सल को भी इस बारे में चिंता करनी चाहिए या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए, मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल गैजेट्स डिस्कवरी। गाइज, अभी फिलहाल गैजेट वर्ल्ड में गैलेक्सी S24 सीरीज जो है लॉन्च होने वाली है और ये एक चर्चा का विषय बनी हुई है। और यहाँ पे आपको 3 अलग अलग स्मार्टफोन जो है S24 सीरीज में देखने को मिलेंगे। एक होगा S24, एक S24 प्लस और एक S24 अल्ट्रा। और यहाँ पे तीनों ही स्मार्टफोन में एक जो फीचर है, अभी कुछ टाइम पहले सैमसंग की ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे वीडियो रोल आउट किया गया था जहाँ पे गैलेक्सी विद AI का जिक्र किया गया था। तो यहाँ पे आपको तीनों ही स्मार्टफोन में एक बात तो पक्का तय है कि AI का एनहेंसमेंट इम्प्लीमेंट देखने को मिलने वाला है। और ये गैलेक्सी AI सैमसंग के One UI 6 के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आने वाला है जो कि एंड्रॉइड 14 के साथ ऑपरेट करेगा। तो ये सैमसंग की तरफ से एक पहला कदम होने वाला है जो कि स्मार्टफोन को और भी ज्यादा स्मार्टर बनाने वाला है। और बाकी 2023 में सैमसंग का AI फोरम जो हुआ था उसमें उन्होंने एक लैंग्वेज मॉडल जो है पेश किया था जिसका नाम था गोश्त। सो अब अगर आप लोग पूछते हो गोश्त क्या है, तो जैसे आप लोग ChatGPT को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते होंगे तो आप समझ लीजिए ये सैमसंग का ही ChatGPT का एक वर्जन है। और इस लैंग्वेज मॉडल गोश्त की सबसे अच्छी बात ये होगी कि जो भी सैमसंग गैलेक्सी S24 सीरीज में AI कैपेबिलिटीज होंगी वो सब हम इस लैंग्वेज मॉडल की हेल्प से यूज कर पाएंगे। और वैसे यहाँ पे आपको गैलेक्सी S24 सीरीज में जो सॉफ्टवेयर में AI एनहेंसमेंट है वो तो देखने को मिलेगी, बट यहाँ पे साथ में जो हार्डवेयर है वहाँ पे भी AI का इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है। जैसे आपका जो चिपसेट रहने वाला है या फिर कैमरा का जो हार्डवेयर रहेगा या फिर रैम रहेगी, इन सब में भी AI का इम्प्लीमेंटेशन होगा। अब देखने वाली बात यह है कि सैमसंग इसे कितने अच्छे तरीके से यूज करता है। और यहाँ पे इन AI फीचर्स को लेकर कुछ लीक्स भी जो है पहले से निकल के आ चुके हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, अगर आप कॉल कर रहे हो और वहाँ पे लाइव आपकी जो कॉल की लैंग्वेज ट्रांसलेट हो सकती है इस AI की हेल्प से। और साथ ही यहाँ पे कैमरा में भी एक नाइटोग्राफी जूम करके मोड आने वाला है जिसमें जो AI है उसका यूज करके जो जूम होता है उसमें एनहेंसमेंट आपको देखने को मिलेगी। अभी जैसे आपको सैमसंग के कैमरा में कुछ फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फोटो में से निकाल सकते हो, अलग से उसका PNG इमेज बना सकते हो या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हो और ऐसे ही किसी भी ब्लैंक एरिया को फिल कर सकते हो। जैसे अभी आप लोग देख रहे होंगे काफ़ी सारी AI वेबसाइट एप्लीकेशन एक्टिव हो चुकी है जहाँ पे आप जो आपने कपड़े पहने हुए हैं उनका रंग चेंज कर सकते हो और अपना जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट रहता है वो सब आप चेंज कर सकते हो। तो इसी तरीके के इम्प्रूवमेंट यहाँ पे आपको AI के साथ कैमरा में देखने को मिलने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद लगता है कि गूगल पिक्सल को ज़रूर से इस विषय में चिंतित रहना चाहिए, क्योंकि पहले वो अकेला दावेदार था जो कि स्मार्टफोन में AI का इम्प्लीमेंटेशन करने वाला था, बट अब यहाँ पे सैमसंग भी सामने निकल के आ चुका है और काफ़ी कुछ अच्छे फीचर्स यहाँ पे आने वाले हैं। बाकी जो अनपैक्ड इवेंट होने वाला है 17 जनवरी को, उससे पहले तक काफ़ी कुछ और चीज़ें सामने निकल के आएंगी। बाकी सब चीज़ें जो है 17 तारीख को क्लियर हो जाएंगी, तो उसके बाद भी हम एक डिटेल वीडियो ज़रूर से लेके आएंगे इस गैलेक्सी AI के ऊपर, क्या कुछ पॉसिबिलिटीज इस सैमसंग गैलेक्सी AI में आपको देखने को मिलेंगी। और बाकी अभी के लिए जैसे जो लीक फीचर्स मैंने आपको बताए, जैसे नाइटोग्राफी जूम हो गया या फिर लाइव कॉल ट्रांसलेशन हो गया, इन सब के बारे में आप लोगों का क्या सोचना है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। बाकी मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ गैलेक्सी AI को लेकर और आप लोग भी जरूर से होंगे। तो इसकी बाकी सारी डिटेल्स हम लॉन्च के बाद जो भी रहेंगी सब जरूर से लेके आएंगे। सो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आप लोगों को काफी कुछ डिटेल जो है समझ में आई होगी गैलेक्सी AI को लेकर। और बाकी अभी भी अगर आपका कुछ डाउट है या फिर कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग, तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, फिर आपका कोई सजेशन हो मैं आप लोगों का रिप्लाई ज़रूर से करूंगा। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो एक लाइक बनता है। और बाकी ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है गैजेट्स को लेकर या फिर टेक टिप्स एंड ट्रिक्स को लेकर अगर आप देखना चाहते हैं तो अकाउंट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।